व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट की जाने अनजाने श्रृंखला में आपका स्वागत है। जाने अनजाने श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक ऐसे गायक कलाकार की जिनके लिए संगीत एक पूजा थी, जिन्होंने अपनी गायकी से फिल्मों में ही नहीं बल्कि पूरे संगीत जगत में अपना एक अलग मकाम बनाया। सीधे सरल सच्चे व्यक्तित्व वाले ये संगीत साधक थे मन्ना डे। मन्ना डे के पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने केसी डे के नाम से मशहूर गायक संगीतकार अपने चाचा कृष्णचंद्र डे से प्रभावित होकर तय किया कि वे गायक बनेंगे। मन्ना डे ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने चाचा केसी डे से ही हासिल की। कॉलेज के दिनों में मन्ना डे ने लगातार 3 साल तक संगीत प्रतियोगिता जीती। आखिर में आयोजकों ने उन्हें चांदी का तानपुरा देकर कहा कि वो आगे से इसमें हिस्सा न लें। उनके बचपन के दिनों का भी एक दिलचस्प वाकया है। उस्ताद बादल खान और मन्ना डे के चाचा केसी डे एक बार साथ साथ रियाज कर रहे थे। तभी बादल खान ने मन्ना डे की आवाज सुनी और उनके चाचा से पूछा, ये कौन गा रहा है? जब मन्ना डे को बुलाया गया तब उन्होंने उस्ताद से कहा, बस ऐसे ही गा लेता हूँ। लेकिन बादल खान ने मन्ना डे में छिपी प्रतिभा को पहचान लिया। मन्ना डे के चाचा केसी डे सुप्रसिद्ध संगीतकार, गायक और अभिनेता थे। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, लेकिन संगीत और अभिनय के प्रति उनका समर्पण कम नहीं हुआ। पहले वो थिएटर ग्रुप में काम किया करते थे, बाद में वो फिल्म कंपनी न्यू थिएटर्स के लिए काम करने लगे। बंगाली, हिंदी, उर्दू, गुजराती गानों के अलावा उन्होंने नाते भी गाई हैं। उन्होंने 1930 से 40 के दशक में कई फिल्मों में संगीत दिया, गीत भजन गाए और अभिनय भी किया। केसी डे सचिन देव बर्मन के पहले संगीत शिक्षक और गुरु थे। मन्ना डे 23 साल की उम्र में अपने चाचा के साथ मुंबई आए और उनके सहायक बन गए। उस्ताद अब्दुल रहमान खान और उस्ताद अमन अली खान से उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा। इसके बाद वो सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। बाद में वो और भी कई संगीतकारों के सहायक रहे। मन्ना डे संगीतकार बनना चाहते थे। उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया, लेकिन सचिन देव बर्मन ने उन्हें सलाह दी कि वो गायक के रूप में आगे बढ़ें और मन्ना डे ने उनकी सलाह मान ली। मन्ना डे ने 1942 में अपने चाचा केसी डे के संगीत निर्देशन में फिल्म तमन्ना से पार्श्व गायन में अपने करियर की शुरुआत की। उनका वो पहला गीत डुएट था, जागो आई उषा पंछी बोले जागो। मन्ना डे ने ये गीत सुरैया के साथ गाया था। मन्ना डे का पहला सोलो सॉन्ग 1943 में ही राम राज फिल्म में रिकॉर्ड किया गया। बताया जाता है कि राम राज फिल्म के निर्माता विजय भट्ट और उसके संगीतकार शंकर राव व्यास ने फिल्म में पार्श्व गायन के लिए केसी डे से संपर्क किया था। जब केसी डे ने इस आधार पर यह प्रस्ताव ठुकरा दिया कि वो अपनी आवाज अन्य अभिनेताओं को नहीं देंगे, तो उन्होंने मन्ना डे को मौका दिया। संगीतकार शंकर राव व्यास ने मन्ना डे को गाने सिखाए और उन्हें अपने चाचा के अलग अंदाज में गाने के लिए कहा, और इस तरह उन्होंने अपना पहला सोलो गीत गाया, गई तो गई त्याग मई तो गई तेरी अमर भावना अमर रही। रामराज फिल्म में उनके और भी गाने थे, जिनमें अजब विधि का लेख, किसी से पढ़ा न जाए, चल तू दूर, नगरिया काफी पसंद किए गए। इसके बाद 1944 में हरि प्रसन्ना दास के संगीत निर्देशन में फिल्म कादंबरी में गीत गाए, ओ प्रेम दीवानी संभल संभल कर चलना। इस फिल्म के गीतकार के रूप में आपको मिस कमल का नाम मिलेगा। आपको बता दें कि ये मिस कमल कोई और नहीं बल्कि कवि प्रदीप हैं। 1940 के दशक में फिल्मिस्तान फिल्म निर्माण संस्था से अनुबंधित होने और वहां की आंतरिक राजनीति के कारण कुछ समय तक कवि प्रदीप से गीत नहीं लिखवाए जा रहे थे, इसलिए कवि प्रदीप मिस कमल बीए के छद्म नाम से गीत लिखने लगे। उन्होंने करीब 4 फिल्मों में इसी नाम से गीत लिखे। पार्श्व गायन में मन्ना डे को अब लोग जानने लगे थे। फिल्म जगत में पार्श्व गायक के रूप में मन्ना डे का नाम अब स्थापित होने लगा था। इस बीच उन्होंने अनिल विश्वास, जफर खुर्शीद, नाना पलसीकर, बुलोसी रानी, एचपी दास, ज्ञानदत्त, खेमचंद प्रकाश, शंकर राव व्यास, मोहम्मद
सफी, एसके पॉल, श्याम सुंदर जैसे संगीतकारों के लिए अनेक लोकप्रिय गीत गाए, जैसे भूला भटका, पथहारा, मन शरण तुम्हारी आया, फिल्म ज्वारभाटा 1944, संगीतकार अनिल विश्वास, राम नाम से सबके मन के हो जाते हैं सोच विचार, फिल्म वाल्मीकि 1946, संगीतकार शंकर राव व्यास, अब न कहिएगा किसी से दावाए इश्क है गलत, हमने तुम्हारे इश्क में मर के तुम्हें दिखा दिया, फिल्म गजरे 1948, संगीतकार अनिल विश्वास, दुनिया तो ये कहती है कि इंसान कहाँ है, इंसान ये कहता है कि भगवान कहाँ है, फिल्म लाहौर 1949, संगीतकार श्याम सुंदर, उस दौर की सबसे ज्यादा मशहूर गायिका शमशाद बेगम के साथ मन्ना डे ने अपना पहला ड्यूएट रिकॉर्ड किया, फूलों का सपना देखने वालों कांटों पे चलना सीख लो, फिल्म थी 1949 की गर्ल्स स्कूल, संगीतकार थे अनिल विश्वास, 1949 में ही उन्होंने गीता दत्त के साथ भी ड्यूएट रिकॉर्ड किया, धन्य धन्य है अवधपुरी, फिल्म राम विवाह, संगीतकार शंकर राव व्यास, मन्ना डे ने 1949 में ही लता मंगेशकर के साथ अपना पहला ड्यूएट रिकॉर्ड किया था, वो था लपट के पट पहने विकराल, फिल्म नरसिंह अवतार, संगीतकार थे वसंत देसाई, आशा भोसले के साथ मन्ना डे ने अपना पहला ड्यूएट गाया था रात गई फिर दिन आता है 1954 की फिल्म बूट पॉलिश में, संगीतकार थे शंकर जयकिशन, 1942 से मन्ना डे के पार्श्व गायन की शुरुआत तो हो चुकी थी और फिल्मों में उन्हें एक दो गीत भी मिलने लगे थे जिनमें अधिकतर धार्मिक फिल्में हुआ करती थी, लेकिन लोकप्रियता के शिखर पर वो पहुंचे 1950 की फिल्म मशाल से, सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में उन्होंने गीत गाया ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती, वाह रे मालिक तूने किया कमाल, जबरदस्त हिट रहा है गीत और इस तरह मन्ना डे के लिए हिंदी फिल्म जगत में नई राह खुल गई। वैसे मन्ना डे की गायकी 1950 के बाद लोगों के सामने तो आ गई, लेकिन अभी भी उन्हें फिल्मों में चुनिंदा गाने ही मिलते, कुछ फिल्मों को छोड़कर अधिकतर फिल्मों में साइड हीरो, कॉमेडियन, भिखारी, साधु या किसी चरित्र अभिनेता पर फिल्माया जाने वाला गीत उन्हें गाने के लिए मिलता या फिर मुख्य अभिनेता के लिए शास्त्रीय संगीत पर आधारित गानों के लिए संगीतकार उन्हें याद करते, लेकिन रोमांटिक गाने उन्होंने जब जब गाए हैं उन गानों का भी कोई जवाब नहीं और वो सभी गाने काफी लोकप्रिय भी हुए। 1951 में उन्हें राज कपूर की फिल्म आवारा में लता मंगेशकर के साथ एक गाना गाने का मौका मिला, तेरे बिना आग ये चांदनी, इस गीत की पंक्तियाँ ये नहीं है जिंदगी, मुझको ये नरक न चाहिए, मुझको फूल, मुझको प्रीत चाहिए, मुझको चाहिए बहार, इतने गहरे भावों के साथ मन्ना डे ने इस गीत को गाया कि पूरा का पूरा गीत सुनने वालों के दिल में उतरता चला गया, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। इस गीत के साथ मन्ना डे राज कपूर की टीम में शामिल हो गए और उन्हें बड़े बैनर की फिल्मों में गाने के अवसर भी मिलने लगे। राज कपूर की अगली फिल्म श्री 420 में उन्हें फिर गाने का मौका मिला। 1955 की इस फिल्म में उन्होंने 3 गाने गाए, एक सोलो, दिल का हाल सुने दिलवाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, एक लता मंगेशकर के साथ डुएट, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, और एक गाना आशा भोसले के साथ मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, ये तीनों ही गाने काफी लोकप्रिय हुए। इसके बाद 1956 में राज कपूर के लिए अनंत ठाकुर के निर्देशन में बनी एलबी लक्ष्मण की फिल्म चोरी चोरी में उन्होंने लता मंगेशकर के साथ 3 डुएट गाए, आ जा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाए बहार, झूमने लगेगा आसमान ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, और जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, ये गाने भी बेहद पसंद किए गए। इन फिल्मों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन। रोमांटिक गानों में मन्ना डे ने गीतों की मधुरता को बखूबी कायम रखा है, जैसे ये भीगी भीगी रातें ये उमड़ घुमड़ बरसातें, फिल्म मिस माला, संगीतकार सचिन देव बर्मन, मस्ती भरा है समा हम तुम हैं दोनों यहाँ, आंखों में आजा दिल में समा जा, झूमे जमी आसमा,
फिल्म परवरिश, संगीतकार दत्ताराम। इसी फिल्म का एक और गाना बेलिया बेलिया बेलिया, भीगी सी बहारों में तुमने इशारों से दिल मेरा ले लिया। इन दोनों ही गीतों में उन्होंने राज कपूर के लिए पार्श्व गायन किया। गाने में साथ दिया था लता मंगेशकर ने। मेरे दिल में है एक बात, कह दो तो भला क्या है। फिल्म पोस्ट बॉक्स नंबर 999। संगीतकार कल्याण जी वीर जी शाह। ओ अषाढ़ के पहले बादल, ओ नब के काजल, विरही जनों के करुण अश्रुजल, रुक जा रे एक पल। फिल्म 1959 की, कवि कालिदास। संगीतकार एस एन त्रिपाठी। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहाँ। फिल्म नौरंग। संगीतकार सी रामचंद्र। झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आंखों में काजल मुंह पे पसीना, या अल्लाह दिल ले गई। फिल्म उजाला। संगीतकार शंकर जयकिशन। हम दम से गए हम दम के लिए, हम दम की कसम हम दम न मिला। फिल्म मंजिल। संगीतकार सचिन देव बर्मन। इन गीतों के अलावा कुछ और भी ऐसे गीत हैं जिनमें उनकी गायकी ने सभी को उनका चहेता बना दिया। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें। संगीतकार सचिन देव बर्मन। सुर न सजे क्या गाऊं मैं। फिल्म बसंत बहार। संगीतकार शंकर जयकिशन। ऐ मेरे प्यारे वतन। फिल्म काबुलीवाला। संगीतकार सलील चौधरी। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। फिल्म दिल ही तो है। संगीतकार रोशन। ऐ भाई जरा देख के चलो। फिल्म मेरा नाम जोकर। संगीतकार शंकर जयकिशन। मन्ना डे ने हर तरह के गीत गाए, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता और उपलब्धि शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों के लिए मिली। क्लासिकल गाने में मन्ना डे का मुकाबला फिल्म इंडस्ट्री का कोई गायक नहीं कर सकता था। जब भी कोई ऐसा मुश्किल गीत होता था, संगीतकार मन्ना डे को ही याद करते थे। मन्ना डे केवल शब्दों को ही नहीं गाते थे, बल्कि अपने गायन से शब्द के पीछे छिपे भावों को बखूबी बड़ी ही खूबसूरती से सामने लेकर आते थे। शायद यही कारण है कि प्रसिद्ध हिंदी कवि हरवंश राय बच्चन ने अपनी अमर कृति मधुशाला को स्वर देने के लिए मन्ना डे का चयन किया। मन्ना डे वास्तव में एक शास्त्रीय संगीतज्ञ बनना चाहते थे, लेकिन वो फिल्मों से अलग नहीं हो सके। पर फिल्मों में रहते हुए भी उन्होंने शास्त्रीय संगीत की सरिता प्रवाहित की। मन्ना डे के संगीत सफर पर आधारित जाने अनजाने श्रृंखला जारी रहेगी। अगली कड़ी में मन्ना डे की कुछ और फिल्मों, गीतों और उनकी कुछ यादगार बातों को लेकर हम हाजिर होंगे। अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि वो शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों तक ही क्यों सीमित रहे। मन्ना डे की टोपी का राज क्या है? क्या कभी किसी गीत को गाने से उन्होंने इनकार भी किया है? अन्य गायक कलाकारों से उनके संबंध कैसे थे? 50 साल से भी अधिक समय तक मुंबई में रहने के बाद आखिर वो बेंगलुरु क्यों शिफ्ट हो गए? ऐसी ही कुछ और भी बातें होंगी। देखते रहिए श्रृंखला जाने अनजाने। जाने अनजाने श्रृंखला आपको कैसी लग रही है जरूर बताइए। और यदि आपने यूट्यूब चैनल वाइट इंक इंटरटेनमेंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइट इंक इंटरटेनमेंट।